तो ये देखे जी, जिया फातिमा जो है मुंह धोने आई थी और पाइप खोल के बैठी, और मेरे कपड़े गीले कर दिए सारे। आपको पता नहीं चलता कपड़े गीले हो जाते हैं? पता चलेगा आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे इसके साथ क्या सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह सुबह घर वाले तैयार कर रहे हैं जी मक्खन, थोड़े से दही में से काफी सारा मक्खन जो है वो आज निकाल है। ये रहा मोहम्मद साहब, क्या बात है, क्या हुआ? क्या हुआ है, इधर तो देखो क्या हुआ है। तो मोहम्मद साहब जो है वो लास्ट डे गिरा था और इसके नाक के ऊपर चोट जो है वो लगी है, निशान बन गया हुआ नाक के ऊपर। धूप लग रही है, धूप में लेटा हुआ। इसको करते हैं जी छाँव में। तो माशाल्लाह अभी जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, बात समझता है और समझाने की कोशिश भी करता है। पास आए तो दिल इसका चाहता है जी मुझे उठा लें, जल्दी से उठा लें। उठा लें आपको, उठा लें आपको, बोलो ना जल्दी जल्दी बोलो। इधर रखो खिलौने, ये लो ये इसके खिलौने। ये लो अपने खिलौने, उधर होके खेलो। अब थोड़ी थोड़ी क्रॉलिंग जो है वो भी इसने शुरू कर दी है। अबू जान और अजमत लोग कल के गए हुए हैं गुजरावाला और आज उनकी सारी ड्यूटी जो है मुझे खुद करनी पड़ेगी। गंदम के दाने मैंने ले लिए हैं और अभी चलते हैं मुर्गियों की तरफ और मुर्गियों को खोलते हैं और उनको दाने जो है वो डालते हैं। पहले तो मुर्गियों को जो है वो थोड़ी देर के लिए खोलेंगे और उसके बाद इन्हें बंद कर देंगे। चलो भाई चलो घूम फिर लो। गंदम के दाने जो है इस सीज़न में मुर्गियाँ ज़रा कम खाती हैं, मगर बतखें जो है बड़े शौक से खाती हैं। मुर्गे का दिल चाह रहा है कि सारे के सारे नीचे बखेर दूँ। पानी जो है वो तो मुर्गियों के बर्तन में है, मुर्गियों की टोकरियां जो है वो खाली हैं। मुर्गियां जो है वो दोपहर के टाइम अंडे देती हैं, इस टाइम अंडे नहीं देती। मुर्गियां जो है वो सारी की सारी इधर आ गई हैं, उधर दाने भी नहीं इन्होंने खाए। और मौसा जो है वो मुर्गियों को देख रहा है। मुर्गियां क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मुर्गियां, मुर्गी क्या कहती है, कुकुरु कुकुरु। तो जी विजय फातिमा भी उठ के आ गया बेटा। विजय बेटा उठ गया, तो आज आप इतने लेट उठे हो, क्या बात थी है? बोलता नहीं है बेटा सुबह सुबह, क्या बात थी आज इतने लेट उठे हो, नींद आ रही थी? बोलते ही नहीं है। ये देखें जी कितने पारे पारे बटन है इसके कपड़ों के है? तो सारे बटन खुले हुए, ओए पते नहीं चलता। तो आज इतने लेट क्यों उठे हो है? तो जी नाश्ते की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। मक्खन को गर्म कर दिया, इसका घी बना दिया, अचार आ गया और ये लीमू पानी। जिया फातिमा ने पीना है लीमू पानी। मुंह धो के आए हो है? आपका मुंह तो साफ नहीं हुआ, जाओ जल्दी से मुंह धो के आओ फिर लीमू पानी पीना। सुबह सुबह कह रही है जी मुझे लीमू पानी दे, नहीं पीना। चलो जी मैं पी लेता, मैं पी लूं है? आपने कितने गिलास पीना बताओ, बाकी मैं पी लेता हूं। कितने गिलास पीना है बोलो ना जल्दी से, बोलते हैं कितने गिलास पीना है। मैं मोहम्मद शाह को देने लगा फिर, मैं मोहम्मद शाह को दे दूं फिर। चलो ठीक हो गया, आप ना पीना। ओए तो ये देखे जी, जिया फातिमा जो है मुंह धोने आई थी और पाइप खोल के बैठी, और मेरे कपड़े गीले कर दिए सारे। आपको पता नहीं चलता कपड़े गीले हो जाते हैं, मेरे भी कपड़े गीले कर रही है जी। बंद करो इसे, टूटी बंद करो, टूटी बंद कर दो। आपको पता नहीं चलता पानी जाया हो रहा है, किसको पानी दे रहे हो हैं? फ्रूट को पानी दे रहे हो? फ्रूट को पानी दे रही है जी, आम का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे और इसके अलावा माल्टे का पौधा लगा हुआ, तो पौधों को पानी दे रही है। अपने भी सारे कपड़े गीले किए हुए, मेरे भी कर रही है। बंद कर दो,
ये फातिमा जो है मोहम्मद शहाब के पास आके तो लीमू पानी पीना शुरू कर दिया। तो अभी इन दोनों की लड़ाई होने वाली है, देखना जी अभी अभी देखना देखना जी देखना। मोहम्मद शहाब जो है वो भी आ गया आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करता हुआ पास, और अभी उसने पानी जो है इसे छीनना है, उसने आपका फीडर छीन लेना है। वो देख रहा है कि अभी मैं कहाँ से पकड़ूँ कैसे पकड़ूँ। वो ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया उसने फीडर, ये पकड़ लिया। तो मोहम्मद शहाब बहुत अच्छा बेटा है, लड़ाइयाँ नहीं करनी, आराम से आपा को पानी पीने दो, ठीक है ठीक है ठीक है। खुश होता जी बेटा भी खुश होता। तो जी अभी फीडर की लड़ाई जो है वो हो गई है शुरू। मोहम्मद शहाब ने जो है वो जिया फातिमा को कुश्ती में गिरा लिया नीचे। ओए अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। गिरने लगा था, नहीं नहीं गिरते नहीं गिरते नहीं गिरते, उसे गिरा देने लग गए ना नीचे, देखा उस। चलो आ जाओ पीछे, जाओ पीछे जाओ आप, यहाँ पे बैठ जाओ। तो मोहम्मद शहाब का दिल चाह रहा है मैं फीडर जो है वो इसे छीन लूं। तो किधर जा रहे हो जी? फातिमा जो है वो अंदर चली गई है और मोहम्मद शहाब जो है वो काफी खुश हो रहा है। ओए भगा दिया आपा को, तो आपा जो है वो यहाँ भी आकर रोना शुरू हो गई है। ये देख के रोने वाला मूड हो गया। तो ये लें जी माशाल्लाह नाश्ता जो तैयार हो गया, घी वाली रोटी, और साथ में आज नाश्ते में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जी अचार। अचार में आम का अचार, लीमू का अचार, लसूड़े का अचार और साथ में सब्ज़ मिर्च का अचार। सुबह सुबह घी वाली रोटी के साथ अचार का जो है वो बहुत ही मज़ा आता है। शाम की वीडियो बनाओ। अच्छा आपने पानी पी लिया? नहीं। हाँ थोड़ा सा है तो ख़त्म करो इसे। मोहम्मद शहाब जो है जिया फातिमा को पानी नहीं पीने दे रहा, आप अंदर जाके लेट के पी लो ठीक है। दौड़ लगा के नीचे आता है। ओए क्या ये क्या है? ये डॉली के लिए रोटी लेके जा रहा हूँ। हाँ तो डॉगी के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ तो दो ही खाता है ना वो। आप कितनी रोटियां खाते हो? दो। आप भी दो खाते हो? हाँ। तो आप कितनी खाते हो है? क्या मैं नहीं, आपने फार्म हाउस पे नहीं जाना, मैं अकेले जा रहा हूँ आज। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया और डॉली के लिए भी खाना ले लिया, अभी चलते हैं फार्म हाउस के लिए। तो विजिया बेटे को अल्लाह हाफिज बोलते हैं। तो जी अभी विजिया बेटे को बोलते हैं अल्लाह हाफिज ठीक है। शाह बेटा, शाह बेटे को भी अल्लाह हाफिज बोलते हैं। अल्लाह हाफिज। आपने मेरे पीछे आ जाना है, किस पे बैठ के आओगे? ये तो आपसे चलती नहीं है। मोहम्मद शहाब चलाएगा तो आप पीछे बैठ के आ जाओगे? ओए बड़े शरारती हो। वो डॉली के पास आ जाएगा। अल्लाह हाफिज मोहम्मद शहाब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैंने अभी मोटरसाइकिल बाहर भी नहीं निकाली तो जिया फातिमा जो है अपनी साइकिल लेके जा रही है। किधर जा रही हो हैं? वो देखे देखे मेरे से पहले अपनी साइकिल लेके जाओ, बाहर को भाग गई है वो देख। गिरोगे। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे मैं पहुंच गया हूँ और डॉली ये यहाँ पे रोटी खा रही है, इसको रोटी मैंने डाल दी है। तो ये रही जी हमारी चावलों की पनीरी, और अभी यहाँ पे पानी जो है लगाते हैं ताकि धूप जो ही तेज़ होगी तो ये जले ना। कल सेकंड टाइम पंप जो है वो चलाया था मगर रोशनी सूरज की कम होने की वजह से पंप जो है वो प्रॉपर चला नहीं और पानी बहुत कम था, इस वजह से पनीरी जो है वो खुश्की रह गई। और अभी जल्दी से पनीरी में पानी जो है वो डालते हैं ताकि धूप तेज़ होने से पहले पहले इसको पानी से भर दें। अबू जान जिस दिन पंप जो है वो बंद करें, अबू जान इसके गिर्द कपड़ा जो है वो लॉक के गिर्द लपेट देते हैं ताकि बारिश वगैरह में जो है इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए, ताकि लॉक जो है ख़राब ना हो।
इस वक्त सूरज की रोशनी जो है वो कम है, इसलिए हम इसके वोल्टेज जो है वो थोड़े कंट्रोल करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। और 40 एम्पीयर पे जो है मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये ना अल्हम्दुलिल्लाह पंप जो है वो स्टार्ट हो गया। आठ बज के 40 मिनट में पंप जो है मैंने स्टार्ट किया, और अभी देखते हैं कि पनीरी वाली जगह को भरने में कितना टाइम जो है हमारा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी में पानी जो है भर गया, और यहाँ से फार्म हाउस का व्यू जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नीचे भी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ऊपर भी बिल्डिंग नज़र आ रही है, और बहुत ही प्यारा व्यू है। और अभी पानी जो है वो आगे सब्ज़ी को लगाते हैं। सब्ज़ी की तरफ पानी डालने के बाद अभी मैं भी सब्ज़ी में आ गया हूँ। एक तो सब्ज़ी को पानी जो है वो लगाते हैं, दूसरा आपको सब्ज़ी भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर फार्म हाउस पर जो है कौन कौन सी सब्ज़ी लगी हुई है। स्केल को जो है वो पानी लग चुका है, और इसको अभी यहाँ से इसका नाकू बांधेंगे। और भिंडी जो है इसके काफ़ी सारे क्यारों को पानी लगा हुआ है। ये वाला क्यारा जो है इसको पानी लगा हुआ है, मगर इसके एंड पे जो है वो थोड़ी सी जगह रह रही है, इसको पानी लगाना है, वो आज की मेरी ड्यूटी है। और इसके अलावा बाकी सब्ज़ियाँ जो है उनको भी पानी लगाते हैं, साथ साथ जितनी सब्ज़ी को पानी लग गया वो लगा लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको सब्ज़ी जो है वो भी दिखाता हूँ। तो लें जी, सब्ज़ियों के खेत में पानी जो है वो आ गया, और यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी स्लो है, पीछे से काफ़ी तेज़ आ रहा है। और यहाँ पर खाला जो अभी काफ़ी भरेगा, और उसके बाद भिंडी के इस क्यारे में पानी आना शुरू हो गया। और मैं यहाँ पर इसलिए रुका था ताकि खाला जो है किस साइड से टूटे ना, और पानी जो है वो पहुंच गया खेत में। अभी मैं चलता हूँ फार्म हाउस पर, वहाँ से लेके आते हैं शॉपिंग बैग वगैरह और दरांती वगैरह, ताकि सब्ज़ी जो आज तैयार है वो काटें। शॉपिंग बैग थैला और दरांती जो है वो मैंने ले ली है, और अभी चलते हैं, चल के सब्ज़ी जो काटते हैं। उससे पहले जो है वो पानी पीते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी आज शदीद है, प्यास काफ़ी महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी तोड़ने से पहले जो है वो पानी पीते चलते हैं। वैसे भी ट्यूबवेल चलता हुआ देखे बंदा तो प्यास जो है वो लग ही जाती है। वो उस क्यारे को पानी लगाया हुआ, और स्केल को भी आज पानी लगाना है। और यहाँ पे देखें कि बेल की सूरत हाल जो है वो क्या हो रही है करेले की। और इसको ये करेला लगा हुआ था जो कि पक चुका है, और इसके अंदर बीज जो है वो भी तैयार हो गए हुए हैं। ये रही जी घिया तोरी की सब्ज़ी, जिसे आप कंडोली भी बोलते हैं और काली तोरी भी बोलते हैं। सबसे पहले ये हम तोड़ेंगे। ये रही जी घिया तोरी लगी हुई। भिंडी के क्यारे को पानी लगाने के बाद तोरी की ये दो खेलें जो है इनको भी पानी लगा दिए, और अभी राजमा की खेल जो है इसको पानी लगाया, और ये लगी हुई यहाँ पे राजमा की फलियाँ। सूरज जो है वो काफ़ी नीचे चला गया, और सूरज की रोशनी प्लेटों के ऊपर जो है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी की रफ्तार जो है वो कम हो गई है। और अभी इसी खेल को जो है वो पानी लगाएंगे, और उसके बाद पानी लगाना जो है वो बंद कर देंगे। तो आज जो पानी लगाया उसमें सबसे पहले पनीरी को पानी लगाया, उसके बाद भिंडियों को पानी लगाया, कुछ तोरियों की खेलों को पानी लगाया, राजमा की खेल को पानी लगाया, करेलों की खेलें जो है उनको पानी लगाया, और आज जो है वो इतना ही काम मुकम्मल हुआ। उसके अलावा तोरियां जो है वो मैंने तोड़ ली हैं, और भी तोड़ते हैं कद्दू। तोरियों की सब्ज़ी जो है वो तोड़ ली है, कद्दू जो है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, और अभी कद्दू की सब्ज़ी जो है वो भी तोड़ लेते हैं। सब्ज़ियाँ तोड़ ली, और तोड़ने के बाद मैं मोटरसाइकिल के साथ बांध आया हूँ, और मोटर जो है वो भी बंद हो चुकी है। जितना पानी खेतों को लग सकता था आज के दिन में वो मैंने लगा दिया, और अभी लो वोल्टेज करके मोटर को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, और हाथ मुंह जो है वो धोएंगे, उसके बाद फिर घर के लिए तैयारी करते हैं। औजार वगैरह अंदर रख दिए हैं, और मुँह हाथ धोने की बजाय मैं नहा के आ गया हूँ। अभी रोटी जो है डॉली को डालते हैं और निकलते हैं घर के लिए वापस। डॉली जो है मुझे यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रही, अभी उसे बुलाते हैं, देखते हैं कि किधर गई है। डॉली को मैंने काफ़ी इधर उधर देखा, और आवाज़ें भी काफ़ी दी हैं, मगर वो नहीं आई। रोटी जो है वो यहाँ कहीं रख भी नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई जानवर जो है वो उठा के ले जाएगा, कौवा उठा के ले जाएगा, या कोई और जानवर जो है वो उठा के ले जाएगा। तो अभी उसे ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मुझे कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं किस साइड पे चली गई है, और रोटी लेके वो जा रही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुँच गया हूँ। ये रहा मोहम्मद शहाब, तो क्या कह रहे हो हैं? वो शर्मारा, ये आ गए जी मोहम्मद शाह की आपा। आप क्या खा के आ रहे हो हैं? ये फातिमा क्या खा के आ रही है? सारे कपड़ों के ऊपर भी लगाया हुआ, ये क्या खाया है? हैं? बोलो ना क्या खाया है? ये फातिमा जो है वो कुछ तोड़ के लाई है। क्या तोड़ के लाए हो बेटा? ये चीज है, इधर को दिखाओ चीज। तो कच्चा अनार जो है वो तोड़ के ले आई है। कच्चा है ना? नहीं। हाँ? मीठा है? हाँ। तो खाओ खाओ, जल्दी से खत्म करो इसको। तो ये आज मोहम्मद शाह, और
कहाँ से आ रहे हो आप? मैच खेल के। किधर खेलने गए थे? दूसरे मोहल्ले गए थे। अच्छा, अपने मोहल्ले में मैच नहीं खेल सकते आप? आप भी दूसरे मोहल्ले गए हुए थे? पिटाई करें फिर आपकी? पिटाई करते हैं आपकी, फिर बड़ा मजा आएगा। है, किसके साथ पिटाई करनी है? डंडे के साथ? वहाँ साहब की करें, आपकी भी करते हैं। थोड़ी सी पिटाई करते हैं, थोड़ी सी, इतनी सी पिटाई करते हैं। विजय फातिमा, इतनी सी पिटाई करते हैं, इतनी सी। मगरिब की अजान होने वाली है और मैं पानी लेके आ गया हूँ। मुर्गियों को बंद करते हैं और इनको पानी जो है वो डालते हैं। कुछ मुर्गियाँ जो है वो आगे बैठ चुकी हैं और आज मुर्गियों ने अंडे जो दिए वो 4 और 2 ही हैं। आज मुर्गियों ने सिर्फ 6 अंडे दिए हुए हैं। मुर्गियों को पानी भी डाल दिया और दाने भी डाल दिए और अंडे जो है वो उठा लेते हैं। मुर्गियाँ और बत्तियाँ जो है वो अंदर आ गई हैं सारी। तो लें जी, मुर्गियों वाला काम भी हुआ मुकम्मल। मगरिब की अज़ान हो गई है और अभी अबू जान की मोटरसाइकिल का थोड़ा सा काम करवाने वाला था। अबू जान गए हुए गुजरांवाला, मुझे कह के गए थे जी काम इसका करवा देना, तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि सारा दिन तो फार्म हाउस पर रहा। भाई का हमारा जो है वो काम ख़त्म नहीं हुआ अभी। अभी मैं मोटरसाइकिल जो है वो ठीक करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लाइट जो है वो भी चली गई है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।